हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी भक्ति रस में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई प्यारी सी कहानी लेके आया हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है कि हम सभी कर्म करते हैं और कर्म का कोई ना कोई बंधन जरूर बनता है, तो फिर हम कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन अब बंधन में बंधे तो मुक्ति भी तो जरूरी है। तो एक तरीका तो कहानी में बताया गया है कि उसका आपको फल भोगना, और दूसरा तरीका ये है, सच कह रहा हूँ, कि अपने सब कर्म कर्म में आसक्ति न रखना, भगवान को समर्पित कर देना, अच्छे कर्म बुरे कर्म पाप पुण्य सबसे मुक्त हो जाना। फिर आप कर्म के बंधन में नहीं बंधोगे। उस पर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, आज ऋणानुबंध पे वीडियो है। ये कहानी कल्याण पुस्तक में डॉक्टर श्री नारायण जी तिवारी द्वारा लिख भेजी गई है। वो बताते हैं, जब शहरी लोग वातानुकूलित कमरों में कूलर में बैठे 48 डिग्री हो गए तापक्रम और ग्लोबल वार्मिंग पर बहस कर रहे होते हैं, तब गांव का किसान चिलचिलाती धूप में खेत की जुताई कर बीज बोने के लिए तैयारी कर रहा होता है। मालवा के एक छोटे से गांव का किसान, जिसका नाम था प्रहलाद, इस बार कुछ ज्यादा ही उत्साहित था। पिछले साल ठीक बुआई के समय एक बैल मर जाने से उसका सारा साल खराब हो गया। इस बार वह साहूकार से ब्याज पर पैसे लेकर एक बड़ा सुंदर पुष्ट और नौजवान बैल लेकर आया था। लेकिन जैसे ही लोग कहावत है कि बोवाती कई वे कटी ने धान घरे आई जाई, जब जानो कि आपनो, बुआई करने से ही नहीं धान कटकर घर आ जाए तब जानिए कि अपना है। प्रहलाद का भी शायद दुर्भाग्य ही था कि सुंदर और पुष्ट बैल थोड़ी दूर चलकर फिर बैठ जाता, उठाए न उठता, सीधा साधा प्रहलाद न चाहकर भी उसे पीटता। आखिर बुआई करना उसके और उसके परिवार के जीवन मरण का प्रश्न था। एक दिन कठिन दोपहर में जब जेठ तप रहा था, प्रहलाद खेत में हल चला रहा था, आदत से मजबूर बैल बैठ गया। खींच के मारे प्रहलाद उसे बुरी तरह से पीटने लगा। संयोग वश उसी समय पास की सड़क से शहर के एक विख्यात मठ के महंत जी हाथी पर बैठे गुजर रहे थे। उनकी दृष्टि प्रहलाद और बैल पर पड़ी तो वे जोर से चिल्लाकर बोले, भैया बैल को मारो मत, रुको मैं आता हूं। कुछ भयभीत कुछ असमंजस में प्रहलाद ने हल खोल दिया। महंत जी हाथी से उतर कर आए। प्रहलाद आश्चर्यचकित रह गया। महंत जी ने बैल को सादर प्रणाम किया, फिर उसके कान में कुछ कहा। बस फिर क्या था, बैल तो बिजली की गति से उठा और चलने को भी तैयार। सीधे साधे प्रहलाद ने महंत जी को भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया और कहा, बाबा यह मंत्र मुझे भी बता दो। गांव में कई करियाल निठल्ले बैल हैं, पर प्रहलाद ने देखा महंत जी की आंखों में आंसू हैं और वे बड़े दुखी भी। बोले, बेटा यह कोई मंत्र नहीं, यह तो ऋणानुबंध है। कुछ न समझा प्रहलाद, बोला, बाबा ये क्या होता है। बेटा ये कठिन है, जिसका लिया है उसका किसी न किसी रूप में चुकाना भी पड़ेगा। पूर्वजन्म की बात है, तुम ऐसे ही किसान थे और ये बैल तुम्हारे गांव के एक मठ के महंत जी, बड़ा आदर था इनका, पूरा गांव पूछता था। तुम्हारी एक बेटी थी और थोड़ी खेती, जब कभी तुम्हारे पास कुछ बचता 2-4-10 रुपए तुम महंत जी के पास जाके रख देते, जब बेटी की शादी होगी तब काम आएंगे। धीरे धीरे करके लड़की भी बड़ी शानी हो गई और रकम भी ज़्यादा। बिटिया का रिश्ता कर तुम निश्चिंत होकर महंत जी के पास पहुँचे और बोले, बाबा मेरा पैसा लौटा दो, मेरे बड़े अच्छे घर में बेटी का रिश्ता तय किया है। हाय, कुछ काल कुछ देव रकम ने महंत जी की नीयत खराब कर दी। वे तैश में आके बोले, कौन से पैसे काहे के पैसे। प्रतिष्ठित महंत जी की बात से सारा गांव सहमत था, इतने पैसे गरीब किसान के पास कहां से आएंगे। फिर महंत जी और बेईमानी, नाना समय कब रुकता है, तुम फिर किसान हो। बेईमानी ने महंत जी को बैल बना दिया। गद्दी पर बैठकर माल छानने का संस्कार उन्हें मेहनत करने नहीं देता।
बार बार बैठ जाते हैं, गालियां और मार खाते हैं। जिसका लिया है उसका देना तो है ही, ये प्रकृति का कभी ना बदलने वाला नियम है। चाहे राजी खुशी दो चाहे मार खाकर, यही ऋणानुबंध है, यही कर्म का सिद्धांत है। मैंने वही उनके कान में कहा कि महंत जी, चुकाना तो है ही, फिर अपमान और मार सहकर क्यों? राजी खुशी चुका दो और ऋण मुक्त होकर फिर भगवान का भजन करो। उन्हें स्मरण भी हो आया है और समझ भी आ गई, अब वे शायद कभी न बैठे जब तक चुकता न चुक जाए। तो ये कहानी, जिसका लिया है देना पड़ेगा, ऋण में ऋण से मुक्त होना जरूरी है, चाहे वो किसी का भी है। तो ये बड़ी प्यारी कहानी हमें बड़ी सीख देती है, सुनने को पढ़ने को मिल जाती हैं, तो मैं आप तक लेके आता हूँ। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हरे कृष्णा।